दोस्तों, भाई और बहनों नमस्कार। मैं वैद्य विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर नई वीडियो सामने आपके सामने लेकर आया हूं, जो एप्पल सेब इसको बोला जाता है तथा इसको पूरी दुनिया के समशीतोष्ण इलाके में पाया जाता है। ये पहाड़ी फल है। इसका वनस्पतिक नाम माल्स डोमेस्टिका बोर्क है। ये फल पूरी दुनिया खाती है और इसके बारे में एक कहावत है कि अगर आप रोज सेब खाओगे तो चिकित्सक वैद्य हकीम डॉक्टर सबसे दूर रहोगे। ये वैसे नहीं कहा गया दोस्तों, ये इसके गुणों को जब देखा गया, परखा गया, तो इसमें वो सारी चीज मिली जो जिससे खाने से आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये हमेशा छीलकर नहीं, बिना छिला धोकर के अच्छी तरीके से तब खाया जाता है। ये हिंदुस्तान, इंडिया, यूरोप, एशिया और जितने भी ठंडे प्रदेश हैं, देश हैं, वहाँ का मुख्य फल है। हमारे यहाँ भी कई प्रदेशों में पैदा किया जाता है। इसमें हमें ये सभी लोगों को रोजाना खाने से पहले नाश्ते में शामिल करना जरूरी है और पूरे परिवार को इसको खाने से बीमारी कम से कम होंगी। और इसमें ऐसी चीजें हैं जो ऐसे खनिज लवण हैं, ऐसे विटामिन हैं कि हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डॉक्टर दूर रखने वाला फल बताया था। ये ही अमृत फल है। इसी को अमृत फल नाम दिया गया था क्योंकि इसमें ऐसी सारी चीजें पाई गई जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे नंबर एक पाया गया। भाइयों, इसमें भी 88.50 के करीब पानी पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, B6, B12, B3 सभी इसमें मौजूद हैं। कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फैट, फास्फोरस, ये जितने भी जरूरत की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो इसमें सब भारी मात्रा में पाए गए हैं। इसके लिए हमको खाने से ज्यादातर बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। विटामिन सी होने की वजह से इम्यूनिटी पावर हमारी हाई लेवल पर रहती है। ये लीवर को भी साफ करता है, खून को भी साफ रखता है, आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। फाइबर है, फाइबर होने की वजह से पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है और आपके इसकी जो तासीर है, नेचर है दोस्तों, वो ठंडी प्रकृति की है। इसको सर्दी ऋतु में, जाड़े में, ठंडे में इसको नहीं खाना चाहिए। खांसी, नजला, जुकाम, जो इस तरह की नमूनिया ठंडी प्रकृति की अगर बीमारी हो गई है तो उसमें इसको कम खाना चाहिए। ज्यादा ठंडा तो नहीं है, लगभग नॉर्मल होता है तो, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे इसके बाद हम इसको खा करके दूध पी सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे स्पेशल कह रहा हूं कि इसको खाने में आप जरूर शामिल कीजिए। कम से कम एक या दो सेब आप रोज छिलके समेत खाइए और स्वस्थ रहिए। ये वाकई निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास कम से कम ले जाएगा। इसमें ये कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करता है और ये हल्का मीठा डायबिटीज के मरीज, मधुमेह के मरीज भी खा सकते हैं और ये दस्तों को भी ठीक करता है। अगर आपको किसी को दस्त भी हो गए हैं
तो ये 3-4 सेब खा लीजिए, आपको उस अंतर ले आएगा। जिसमें खून की कमी है ये खून की भी पूर्ति करता है, जिसमें अंग शिथिल पड़ गए हैं उनको भी ठीक करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुढ़ापे को भी रोकता है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों को, कमेंट्स करिए और लाइक भी कर दीजिए।